अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपने अपने जो घरों में हैप्पी होंगे। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कुछ लोगों की शिकायत भी मिली थी कि आपकी वीडियो में वॉल्यूम बहुत कम है, तो उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मेरा जो वीडियो का माइक है, जिसकी जो जो फ़ोन का जो माइक है, वो असल में ख़राब हो गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है आवाज़ का। मैं इंशाल्लाह जल्दी ही जो ले लूँगी माइक, तो फिर ये मसला भी हल हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत है मेरी तरफ़ से, क्योंकि जब तक मैं नहीं लेती तो ये थोड़ा सा इशू रहेगा आवाज़ का। तो उसकी वजह से आप मेरी वीडियोस को स्किप स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करने से आपको पता नहीं चलेगा कि क्या मैं बना रही हूँ। जब तक आप सुनेंगे नहीं उसको, आप काइंडली आप लोग इस तरह कर लें कि आप हैंड फ्री लगा के तो फिर आप सुने, आपको आवाज़ आएगी, बहुत सही आवाज़ आएगी। तो ये थोड़ा सा मैंने क्लियर करना था, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। तो अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो है वो है, मैं बनाने जा रही हूँ हनी टोनर, जो कि आज की रेमेडी है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वाली वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ काइंडली आप मेरी वीडियो को देखें और इसको इस रेमेडी को यूज़ करें। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ले लेंगी हम ले लेंगे रोज़ वाटर, उसके बाद हम ले लेंगे हनी। हनी आप कोई सा भी ले लें, लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनिक हनी है तो वो बहुत ही बेस्ट है। मेरे पास भी ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन हनी कोई भी चलेगा। उसके बाद आपने ले लेनी है एक स्प्रे बॉटल, जैसे कि ये मेरे पास रोज़ वाटर की थी तो मैं ये यूज़ करूँगी। तो अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप उसकी जगह प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बनाएंगे कैसे वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर ले लेंगे गाइस, ये कंटेनर है, इसमें हम सारी मिक्स करेंगे चीज़ें। तो ये है रोज़ वाटर, ये हम सारा इसमें डाल देंगे। उसके बाद ले लेंगे हनी। हनी हम ले लेंगे 1 चम्मच के बराबर। हनी तो बहुत अच्छा है गाइस, हमारी स्किन के लिए लगाने में भी अच्छा है। और 2 चम्मच के करीब हमने हनी ले ली है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें गाइस, ये इस तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है, जब तक ये उसमें नहीं आ जाता, जब तक पानी के साथ ये हल नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको मिक्स करते जाना है। और उसके बाद ये जो टोनर है ये बिल्कुल रेडी है। तो आपने इसको स्प्रे बॉटल में डाल लेना है और आपने इसको 1 वीक का बनाएं। जब 1 हफ्ते का ख़त्म हो जाए तो फिर आप नया बना लें। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आपने बनाते हुए इसको बस आप इतना ही बनाएं कि वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाए। तो ये है गाइस टोनर। तो उम्मीद है कि मेरी ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी आपको। तो अब हम इसको डालेंगे इसमें। तो गाइस ये हमने डाल दिया इसमें। तो आप इसको शेक करें और इस तरह से लगा लें बस, ये देखें। तो हमारा जो टोनर है वो अब रेडी है बिल्कुल। तो उम्मीद है कि मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी आपको। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।